हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है खत्म हो चुका है। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर दिए हैं बच्चों, और आपका रिव्यू भी केमिस्ट्री में बहुत अच्छा आया है। तो बच्चों, अब स्टार्ट हम लोग का होने वाला है सेकेंड बैच, यानी सेकेंड सेमेस्टर का। तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को फिर से क्या कि वो केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे वो हमारे बायोलॉजी के बच्चे हो, चाहे वो मैथ्स के बच्चे हो, उन सब में केमिस्ट्री तो आपका कॉमन होता है। तो आज का जो ये वीडियो है बच्चों, ये जो लेक्चर है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या होने वाला है एनईपी के अकॉर्डिंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में मैं बहुत सारे बच्चे को कांग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ, उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया है। जितना मेहनत से मैं आपको पढ़ाई थी, लास्ट में जो शॉर्ट वीडियो वगैरह हम लोग इतना वन शॉट में पढ़ाए थे, सब कुछ सारे बच्चों का बहुत अच्छा वो पेपर गया है। कुछ बच्चों का मान के चलते कि अगर नहीं अच्छा पेपर वो गया होगा, कम मार्क्स आए होंगे, तो कोई बात नहीं, एकदम वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक। तो बच्चों, हम लोग का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है क्या होने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद भी आप लोग जल्दी जल्दी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर हम लोग जो आगे की जो क्लासेस है वो आपको ऐप पे वो दिखाई देगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो बच्चों सिलेबस होने वाला है केमिस्ट्री का, तो वो आपका सेकंड सेमेस्टर का, वही जैसे प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड रहेगा, साथ में थ्योरी वगैरह हम लोग जो पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल्स तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज में क्या कराया जाएगा। कई बार क्या होता है, जो एनईपी का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल में थोड़े चेंजेस वगैरह होते हैं, तो वो आप अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल का क्या है वो आप देख लीजिएगा। अब सिलेबस आपका क्या है, जैसा पहले था फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट, यहां पर भी आपका 8 यूनिट रहेगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब फर्स्ट जो सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस था उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल था, इसमें भी आपका इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल होगा। तो पहला आपका क्या है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका बच्चों आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं साइड में ओ लिख दे रही हूँ जिससे आपको पता चले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये सारा जितना भी सिलेबस में आपको दिखाई दे रहा है ये सब आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ आपको पढ़ना है, जो कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक। उसके बाद आपका आता है सेकंड, आपका आता है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बारे में, और ये भी आपका ऑर्गेनिक में ही है। प्रोटीन्स के बारे में मेनली आपको प्रोटीन्स क्या होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स में मेनली इसमें जो केमिस्ट्री पढ़ना है इसके बॉन्ड्स के बारे में, कौन कौन से टाइप से प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, इन सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स में। साथ ही में इसमें बच्चों, हालांकि जो ये चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, ये बायोलॉजी वाले बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बायोलॉजी का पोर्शन थोड़ा सा ऐड रहेगा, थोड़ा टच रहेगा उसका। तो जो मैथ्स वाले बच्चे वो थोड़ा कहेंगे कि भाई हमको नहीं समझ में आएगा। अगर आप अपने मन में ये मेंटेलिटी बनाकर चलेंगे कि भाई ये चैप्टर तो हमको आएगा ही नहीं, तो कभी जिंदगी में नहीं आने वाला है, आप ये सोच के चलो कि ये चैप्टर पूरा फ्रेश है, आप कोई भी स्टूडेंट कोई भी बैकग्राउंड से नहीं है, इंडिविजुअल, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो मैथ्स का हो, बस इतना सोचो ये चैप्टर मेरे सिलेबस में है तो मुझे पढ़ना है, और मैं आपको बहुत डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगी जिससे आपको कवर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको प्रोटीन्स में ये सारे हैं, उसी में आपका छोटा टॉपिक एंजाइम्स में ही है, आपको एंजाइम्स भी पढ़ना है। यहाँ पे एंजाइम्स क्या होते हैं, उसका फैक्टर कैसा है, उसका बहुत सारा मैकेनिज्म है, वो क्या बोलते हैं, जैसे भी की एंड लॉक मॉडल का, ठीक। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है, इनहिबिटर के बारे में पढ़ना है, फिनोमेना ऑफ द आपका एंजाइम कैसे एक्शन करता है, इनहिबिशन क्या होता है, ये सारा चीज आपको इस आपका यूनिट में पढ़ना है, यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड में आपका क्या है, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एसिड, ये भी आपका ऑर्गेनिक में, मेनली इसमें आपको पढ़ना है डीएनए एंड आरएनए, उसका स्ट्रक्चर भी याद है। तो मैं समझ रही हूँ आप लोग का, जिन बच्चों का डायग्राम थोड़ा वीक है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, पर कोई बात नहीं, हमको तो केमिस्ट्री से मतलब है, हमको इसमें रिएक्शन से मतलब है, बॉन्ड से मतलब है, तो रिएक्शन, बॉन्ड वगैरह ये सारा चीज इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। डीएनए का ये नहीं कि डीएनए के जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि डीएनए आरएनए का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब नहीं पढ़ना है, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसमें कौन से बॉन्ड है, कौन सा शुगर है, कौन सा प्रोटीन वगैरह है, ये सारा चीज पढ़ना है, ठीक। तो इसके कंस्टिट्यूएंट क्या है, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, ये सब हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इन सारे को डिटेल में पढ़ना है। साथ में ये जो डीएनए आरएनए किस चीज से वो बने होते हैं उसको पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा 4 यूनिट,
इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये आपका बच्चों जब मैं सिलेबस मतलब जब केमिस्ट्री मेरे में था, जैसे मैं थर्ड ईयर था ना, मेरा फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो ये सारी चीजें हम लोग में नहीं था, था ही नहीं, ये चैप्टर ही नहीं था। अब जो एनईपी की न्यू सिलेबस आई है उसमें आपका ये चैप्टर इंक्लूडेड है, तो आपको इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। यानी आप जितना भी केमिस्ट्री है इससे आप लोग थोड़े से डॉक्टर, पार्शियली डॉक्टर बन सकते हैं। ड्रग, जितना भी हम लोग मेडिसिन को ड्रग भी बोलते हैं वो सारा हम लोग यूज करेंगे। एलर्जी क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या एजेंट्स क्या होते हैं, एस्पिरिन, पैरासिटामोल, ये सारे जो मेडिसिन के नाम आपको सुने सुने लग रहे हैं, इन सब का प्रिपरेशन पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर कि पैरासिटामोल का स्ट्रक्चर बताओ, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर्मूला बताओ, तो ये सारा चीज आपको इस पे इंक्लूडेड है। उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, उसको पूरा डिटेल में। अब बच्चों, कुछ बच्चों का ये मतलब ये रहता है कि भाई ये सब ऐसा चैप्टर है कैसे पढ़ेंगे, तो आपको बच्चों पढ़ना तो है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बहुत इजी था पूरा आपका। जैसे जो बच्चे ट्वेल्थ इलेवन ट्वेल्थ अच्छे से पढ़े, पूरा इलेवन ट्वेल्थ का सिलेबस रहता है। अब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि हमेशा आपका इलेवन ट्वेल्थ से रिलेटेड ही सिलेबस में आएगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करें तो थोड़ा सा डीप चीजें जाएगा, कोई नई चीजें भी आएगी। जितने पुराने चीजों को ब्रीफली मतलब डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में, तो हो सकता है कुछ नए चैप्टर्स भी आए, तो ये यही आपका एग्जांपल है न्यू चैप्टर का। ठीक, तो ये सारा कुछ पढ़ना है, रिएक्शंस पढ़ने, ड्रग कैसे बनाए जाते हैं, उन सब पे प्रिपरेशन में क्वेश्चन आता है, तो वो पढ़ना होगा। आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पे। यूनिट नंबर 5 में आपका सॉलिड स्टेट है, हाँ ये आपका 12th का है, और ये आपका पी यानी फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ऑलरेडी इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, 12th क्लास में आप लोग पढ़ कर आए, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। आप जो सॉलिड स्टेट 12th क्लास में पढ़े थे वो आप एकदम ऊपर ब्रीफली पढ़े थे, अब यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक, तो सॉलिड स्टेट क्या होता है, लैटिस, यूनिट सर, ये सब कुछ मैं आपको क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। लॉग इस पे 2 आपका टॉपिक इंक्लूडेड है, ये सारे चीज आपको 12th क्लास में नहीं मिला होगा, तो इसी में यहाँ पे आपको डिटेल में और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्सरे डायफ्रेक्शन क्रिस्टल डाय, ब्रैक्स इक्वेशन, ये सारे चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने में लग रहा है सॉलिड स्टेट छोटा चैप्टर, पर है बड़ा चैप्टर, इसको मैं डिटेल में अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। और ये बिल्कुल मत सोच रहे कि पूरा 12th का है, 12th का है बात सही है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद है आपका यूनिट 6 जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ टू पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे पॉलीथीन, एथिलीन का जब पॉलीमर होता है, एथिलीन को बार 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 सिंथेसाइज किया जाता है तो उसका एक पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर मान के चलो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिससे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आपका यूनिट या बोल सकते हैं मोनोमर। तो मोनोमर को मिलाएंगे तो पॉलीमर बनेगा, तो ये सब पॉलीमर को आपको डिटेल्स में पढ़ना है। उसमें से आपको सिलिकॉन फॉस्फोजिन का पढ़ना है, एंड अच्छा ये इसी में इंक्लूडेड है, सिलिकॉन एंड फॉस्फोजिन का पढ़ना है पॉलीमर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और पॉलीमर जो आपका चैप्टर है वो आपका 12th क्लास में भी है, पर ध्यान देना वो बहुत छोटा चैप्टर था, वो जल्दी हम लोग पढ़ लिए थे, यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ना है, वही आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन कैसे होता है, रिएक्शंस कैसे होता है, ये सारा चीज। ठीक, और क्या है, यूनिट 7 पे हम लोग आ गए। इसमें आपका जो आप पॉलीमर पढ़े तो अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है ये पता चल गया, अब पॉलीमर को कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सा रिएक्शंस होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन बनता है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन टेक्निक्स में। उसमें मैकेनिज्म पढ़ेंगे, को पॉलीमराइजेशन, इसमें 2 टाइप्स का रिएक्शन आएगा, एडिशन, एलिमिनेशन, जिग्लर नाटा कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं ये सारे चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन पॉइंट ऑफ व्यू एंट्रेंस एग्जाम, जब आप ग्रेजुएशन पास करके एंट्रेंस एग्जाम हायर एजुकेशन के लिए देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए, तो वहां पे आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन उठाएगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। जितना भी आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर ये सब पढ़ रहे हैं ना, इन सब से ही क्वेश्चन उठाता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट सिंथेटिक डाइज। डाइज क्या होता है बच्चों, जो आप कलर वगैरह यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा घर पे आपके मम्मी पापा डाइज लगाते हैं, मतलब बालों में डाइज लगाते हैं, तो वो कलर करता है, बाल को व्हाइट से ब्लैक कर देगा या ब्राउन कर देता है, हल्का हल्का मतलब ऑरेंज टाइप का भी कुछ लोग कराते हैं, ऑरेंज वॉलेट कुछ बहुत सारे कलर का होता है, जिसको जो मन करे वो कर सकता है, मेनली ब्लैक यूज करते हैं। तो ये सब जो डाइज है वो आपको बनाए हुए जगह, और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। हमारे सिलेबस में जो डाइज वाला था वो थर्ड ईयर में था,
थर्ड ईयर में मुझे एक छोटा सा कपड़ा दिया गया था, उसी को क्या करना था, उसी को डाई करके कलर करना था। तो हम लोग एक छोटा से कपड़े से डाई वगैरह बनाए थे, बहुत सारा वो प्रैक्टिकल किया था, मजा भी आ रहा था प्रैक्टिकल करने में। तो आपको डाइज बनाना पड़ेगा, बनाने पे वो पड़ेगा ध्यान से, इसको सिलेबस मतलब आपके थ्योरी में भी है और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स में भी है, तो उसको ध्यान से पढ़ना बहुत अच्छा है। डाइस को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोग करेंगे, मतलब रिएक्शन वगैरह करके आप डाइस बना लिए और वही चीज आप साथ में प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये चैप्टर कोई एक ऐसा मतलब यूनिट वगैरह होता है जिसका थ्योरी भी होता है प्रैक्टिकल भी होता है, तो वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इतना है आपका 8 यूनिट। 8 यूनिट में पहला आपका क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स था, दूसरा आपका प्रोटीन्स है, तीसरा आपका न्यूक्लिक एसिड है, फिर आपका सॉलिड स्टेट है, फिर पॉलीमर है, फिर पॉलीमराइजेशन है, फिर लास्ट में आपका सिंथेटिक डाइस। ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पे मैं रेशियो अगर देखूं तो सबसे ज्यादा आपको 7 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक का है और आपका 1 चैप्टर किसका है, फिजिकल का। यहाँ इनऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 3 चैप्टर था इनऑर्गेनिक का, इसी वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का नहीं है। ऐसा बिल्कुल बस ये समझो कि इनऑर्गेनिक का आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे वहां पर भी आपका इनऑर्गेनिक ज्यादा आएगा, तो वो रेशियो में चल रहा है कम और ज्यादा का। पर ये है कि सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक्स आप देख भी रहे हैं, उसको साथ में मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से डिटेल में, ठीक। तो ये सिलेबस वगैरह डिस्कस, क्योंकि अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देख रहा है, बहुत अच्छा एग्जाम गया है। तो बच्चों इस बार भी हम लोग को ऐसे ही मेहनत करना है, ठीक। हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरा जितना भी जैसे भी वो टीचर आपको पढ़ा रहे उसको पढ़िए, लास्ट के 1 शॉट पे डिपेंड मत रहिए कि 1 शॉट तो मैम पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना सिलेबस अपना सब कुछ कॉपी नोट्स वगैरह कंप्लीट रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। तो 1 शॉट आपके लिए बस रिविजन होता है, ना कि एंटायर सिलेबस होता है। इस बात को अपने माइंड से सेट कर लो कि वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन है, और जो आप पूरा सिलेबस पढ़ते ये आपका पूरा ऑल टू ऑल सिलेबस है। तो इसको आपको पूरा अच्छे से तैयार करना है, फिर उसके बाद रिवीजन वालों को देखना है, उन सबको अच्छे से मन करके सेकंड सेमेस्टर का भी आपको अच्छा नंबर लाना होगा। फर्स्ट और सेकंड वाला ऐड होगा तभी आपका पूरा फर्स्ट मतलब एक साल का आपका क्या होगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक। वो कुछ लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में भी होगा, सेकंड में भी, पर कंबाइन तो होगा ना, लास्ट का पूरा ग्रेजुएशन देखा जाता है। तो ग्रेजुएशन में आपका फर्स्ट सेकंड जितने सेमेस्टर आप पढ़े हर सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है, सिलेबस आज आपका डिस्कस हो गया, क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। नोट्स वगैरह जैसे आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे आपको मैं 1 बाय 1 एक एक चैप्टर को पढ़ाऊंगी, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह सब, उसका भी वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं क्लासेस वगैरह में। क्या यहाँ पर हम लोग का ये जो बैच है फिर से सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको कोर्सेज जो मिल रहे हैं वही लाइव रिकॉर्डेड, लाइव डाउट, क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी उसके साथ साथ क्वेश्चन भी कराती हूँ, उसके बाद आप टेस्ट भी देंगे। टेस्ट देने के बाद 1 यूनिट कंप्लीट हो गया, उसी तरीके से सेम बाकी सब भी वैसे ही चलेगा। लास्ट में आपका 1 शॉट तो रहता ही है, वो आपका यूट्यूब पे तो फ्री है, तो 1 शॉट का जो वीडियो है क्लास नोट्स है और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग सॉल्व कराते हैं। उसके बाद अब ये जो आपका ये सारे जो फीचर्स हैं, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ में आपका खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी आपके पास 1 साल तक रहेगी, ठीक। आपको क्या करना है, डीएनएस एजुकेटर जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो पहले से देख रहा है उसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो डीएनएस एजुकेटर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसके बाद इस जो यहाँ पे नंबर है उस पर आप कॉल करके जो भी क्वारी है वो पूछ सकते हैं कि आपको मतलब कोर्स कैसे परचेस करना है, क्या क्या फीचर्स होंगे, सारे चीज, ठीक। आपको ये सब कुछ मिल रहा है केवल क्या 1250। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या था, सिलेबस केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर डिस्कशन हो गया है। अब आपके जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, आपको क्लासेस क्या आएंगे, जो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।